इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्पेस मून सिटी द लग्जरियस लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीके, मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। समय है खबर फटाफट का, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे पर छोटे से ब्रेक के बाद। स्पेस मून सिटी जीटीए अप्रूव्ड, शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाएं अपना आशियाना। स्पेस मून सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3-tier सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग, आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। स्पेस मून सिटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों की शुरुआत करेंगे पहली खबर झांसी से। डीएम झांसी व एसएसपी झांसी की संयुक्त उपस्थिति में पीस कमेटी बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में जनपद के सभी धर्म गुरुओं संभ्रांत लोगों के साथ हुई बैठक। आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारा, सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से साकुशल शांतिपूर्ण मनाने की गई अपील। अर्बन हार्ट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सजाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी, जिलाधिकारी ने किया अवलोकन। प्रत्येक स्टॉल पर जाकर हस्तशिल्पियों से खरीदारी कर बढ़ाया उनका मनोबल। सॉफ्ट टॉयज, वस्त्र, मधुबनी चित्रकला, मिट्टी के बर्तन, चितेरी कला, वुड पेंटिंग, मूर्तिकला, बैम्बू फर्नीचर, भदोही कालीन आदि की लगी थी प्रदर्शनी। जिलाधिकारी ने आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारह वफात, दीपावली आदि को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के संबंध में की समीक्षा बैठक। त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और लंदन प्रवास पर जाते समय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री महाराज का झांसी रेलवे स्टेशन पर हिंदू संगठन के नेता अंचल ने किया स्वागत। धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में उमड़े भक्त। इस दौरान राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्चरिया के नेतृत्व में धीरेंद्र शास्त्री महाराज को हिंदू गौरव सम्मान से किया गया सम्मानित। मऊरानीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पखवाड़े के साथ मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। मंडल अध्यक्ष दिनेश राजपूत, जिला उपाध्यक्ष अशोक गिरी, जिला मंत्री प्रमोद चतुर्वेदी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। झांसी के सर्किट हाउस सभागार में पशुओं को लेकर होने वाली लंपी रोग की रोकथाम को लेकर बैठक हुई आयोजित। नोडल अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी बैठक। रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण व सुरक्षा के प्रति जागरूकता की हुई बात। जिलाधिकारी झांसी ने ग्राम बरल तहसील मोट स्थित गौशाला का किया औचक निरीक्षण। गंदगी और कीचड़ पाए जाने पर सचिव को लगाई फटकार। ग्राम प्रधान एवं सचिव के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश। गौशाला में अव्यवस्था पाए जाने पर खंड विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारी से मांगी गई रिपोर्ट। झांसी में दुर्गा उत्सव के उपरांत महासमिति के लोगों ने इस्कॉन मंदिर पर की पत्रकारों से वार्ता। प्रशासन की गाइडलाइन की विस्तार में दी जानकारी। इसके साथ ही पंडालों में कैमरे तथा अग्निशमन यंत्र रखने की गई अपील। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप पांडे भी रहे मौजूद। झांसी के रक्षा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के हाल हुए बेहाल। गाँव में विकास की खुली पोल, सड़कों पर हुए गड्ढे, बरसात के बाद रास्तों में भरा पानी, ग्रामीणों का निकलना भी हुआ दुष्वार। क्षेत्र के लोग जनप्रतिनिधियों से भी कर चुके हैं कार्यवाही की मांग। झांसी के श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में फार्मेसी दिवस का हुआ आयोजन। संस्था के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम। मुख्य अतिथि ने सभी छात्रों को
समय के अनुसार स्वयं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होने के लिए किया प्रेरित। झांसी के मऊरानीपुर में इन दिनों बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं, पुलिस की सुस्ती से बढ़ रहे चोरों के हौसले। अब चोरों ने कबाड़ की दुकान को बनाया अपना निशाना, जिसका वीडियो भी हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। रानीपुर के नामी स्ट्रीट सीटर लेखराज की बढ़ रही मुसीबतें। बीते दिनों पुलिस अभिरक्षा से साथियों की मदद से भागने का किया था प्रयास। अपराधी का सहयोग करने वाले लोगों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, भेजा जा रहा है जेल। पुरसराय में शासन द्वारा चलाए जा रहे आधार नंबर एकत्रीकरण विशेष अभियान में बीएलओ ने लगाया दबंग पिता पुत्र पर मारपीट का आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती बीएलओ को, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के गुरसराय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा वृद्ध आश्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल किए गए वितरित। तहसील संयोजक गरौठा ने कहा कि वृद्धों की सेवा करना है हमारा कर्तव्य, हमें रखना चाहिए सभी का ख्याल। जालौन की कालपी में सड़कों का हुआ हाल बेहाल। सड़क पर काफी गड्ढे होने के कारण वाहनों का होता है भारी नुकसान, लोगों का पैदल चलना भी हुआ दुश्वार। नगर पालिका परिषद के 4 साल के कार्य में कालपी की हुई दुर्दशा, नगर जूझ रहा है सफाई की समस्या से। भगवान वेद व्यास की नगरी कालपी में यमुना नदी और व्यास गंगा के संगम में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पितृपक्ष के अंतिम दिन ब्राह्मण भोज के साथ नदी तट पर हुए तर्पण, श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों को किया याद। ललितपुर जिले के तालबेहट थाना अंतर्गत बमोरी सर के पास ट्रक और ट्रैक्टर की हुई थी जोरदार भिड़ंत, बड़ी दुर्घटना में कई लोग हुए थे। मुख्यमंत्री योगी ने भी शोक संवेदना की व्यक्त। महोबा रोडवेज परिवहन परिषद में डिपो की बसों का है बुरा हाल, सड़कों पर अक्सर दे जाती है धोखा महोबा डिपो की बसें, जिसके कारण यात्रा करने वाले यात्रियों को बसों में लगाना पड़ता है धक्का। ऐसा ही धक्का लगाते हुए आज भी वीडियो हो रहा वायरल। दतिया में 8वें दिन भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का पौधारोपण कार्यक्रम रहा निरंतर जारी। आज सोनागिरी क्षेत्र में किया गया पौधारोपण, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर विवेक मिश्रा के साथ कई पदाधिकारी रहे मौजूद। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें खबर फटाफट में, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज पीके। नमस्कार। झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3 टायर सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग। आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। Space Moon City.